अच्छा राइट सर्कुलर कौन क्या होता है ये होता है राइट सर्कुलर कौन मैं आपको बता, दिखा दूं पहले बर्थडे में जो आप जिस तरीके की आप कैप पहनते हो ना उसको हम कौन कहते हैं और राइट सर्कुलर क्यों होता है क्योंकि ये राइट एंगल बनाता है इसका बेस और हाइट मेक्स अ राइट एंगल नाइनटी डिग्री ठीक है तो एक राइट सर्कुलर कौन है जिसकी हाइट एट सेंटीमीटर आपको दी है हाइट कितने दी है एट सेंटीमीटर ठीक है तो इसको मैं आपको दिखाता हूं ब्लू से ठीक है हाइट दी है आपको एट सेंटीमीटर ठीक है ओके और आपको जो बेस रेडियस दिया है वो दिया है सिक्स सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर ठीक है ये होती है स्लैंट हाइट एल होती है स्लैंट हाइट और स्लैंड हाइट निकालने के लिए आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है बस ये ये स्लैंट हाइट है एल ये एट दिया, दिया है ये सिक्स दिया है ठीक है सो व्हाट विल बी एल एल स्क्वायर विल बी एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर एल स्क्ट सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स एल स्क्वायर विल बी हंड्रेड एंड एल विल बी टेन सेंटीमीटर तो स्लैंड हाइट कितनी आ गई सेंटीमीटर बस अब तो आपको सीधा फॉर्मला अप्लाई करना है नाउ यू शुड नो हाउ टू अप्लाई द अपलाई सी सबसे पहले अगर मैं सिर्फ अगर मैं टोटल सरफेस की बात करूं ना टोटल सरफेस एरिया तो आप देखो कोन में क्या क्या चीजें हैं कौन में एक तो कर्ड सरफेस एरिया है कर्ड वाला पोर्शन अभी ये सिलेंडर है मैं आपको दिखाता रहा हूं तो एक तो ये होता है इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं जो कर्व होता है उसके अलावा जो बेस है कोन का ना कोन का जो बेस है वो क्या है सर्किल है ना ये जो मैं टच कर रहा हूँ ये तो सिलेंडर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लेकिन जो अपने आप में सर्किल है तो जो कर्व सर्फेस है होता है ना अगर मैं बात करू टोटल सर्फेस एरिया की इट विल बी कर्ड सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस विच इज आई होप बच्चों को समझ में आ रहा सो वट इज कर्ड सर्फेस एरिया ऑफ अ

ग्रेजुएट बच्चे इसको सोल्व करते हैं ठीक है सो दिस से ऑल स्टूडेंट वेरी इजी यू शुड नो द फॉर्मुला और मैंने बहुत ही तरीके से मेन्सुरेशन में सारे फॉर्मुले बच्चों को पढ़ाए ठीक है